कचौड़ी खाएंगे। बर्तन धोएंगे यहाँ पर। ये लोग मॉडर्न जमाने वाले लोग हैं, हम लोग एंशियंट टाइम के हैं। और ये आ गई कचौड़ी, इसी के अंदर सब्जी है। ओ बेटे, राजस्थान की फेमस होती है ना कट्टे की सब्जी, राजस्थान की बढ़िया। टाइमलेस स्मेल बीबी बना रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा बढ़िया रहता है। इसके नहीं किसकी मुछे सर्च कर रही है कि उसने उसकी मुछे कटाली थी, वो वाला सीन नहीं आया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज तो जल्दी उठ गए, क्योंकि जब भी कहीं होटल में जाओ तो ना ब्रेकफास्ट के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता है, उन लोगों का फ़ोन भी आ जाता, तो नींद खुली गई थी। मैं तो फ्रेश होकर आ गया, सोनिया गई हुई है वॉशरूम, वो भी फ्रेश होकर आ जाए। अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, और नाश्ते के बाद फिर दिन की शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं कि होटल चेंज करना है या इसको ही कंटिन्यू करना है। तो गाइस, फिलहाल हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये होटल चेंज करेंगे, तो हम लोग ने दूसरा होटल बुक कर लिया। अभी यहाँ से करते हैं चेकआउट, रेडी हो गया, सामान भी रेडी है, और फटाफट से दूसरे होटल में देखते हैं। वो होटल थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि ये सही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना एक तो सर्विस अच्छी नहीं है, बाकी बाथरूम बहुत स्टिंकी है, रूम क्लीन है, लेकिन चलो कोई नहीं, दूसरा देखते हैं। निकलते हैं फटाफट से, जो खाया पिया उसका बिल देते हैं। ये तो भागी जा रही थी, मैंने कहा बिल दे देते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। चलो निकलते हैं, फिर पहले चेकआउट की सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं, पे करना है करते हैं, फिर निकलते हैं दूसरे होटल। तो हम लोग चेकआउट करके आ गए गाड़ी में, अब गाड़ी निकालते हैं, लगेज रख दिया है फटाफट से। गाड़ी बहुत गर्म हो रही है, धूप में गाड़ी खड़ी कर दो ना तो भाई तप जा रही है गाड़ी, इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, फुल ए सी चला रखा है, वो अचानक से भपका निकल जाता। तो चलो लोकेशन लगा लें, चलते हैं। ये आ गए हम लोग अपने रूम, और ये रूम देखो क्या मस्त है। यहाँ पर सिंक है, यहाँ पर खाना वाना थोड़ी सी कॉफी वगैरह है, और ये किचन टाइप दिया हुआ है, और यहाँ बैठ करके हम लोग खाएंगे खिचड़ी। ऑब्वियसली ये लोग हम रहे, तो बंद कर देते हैं। और ये क्लोजेट एज यूजुअल, ये रूम बढ़िया, मुझे सबसे अच्छा लगा, यूनिक ही लगा, आराम से यहीं पे चाय कॉफी बनाओ, यहीं पे आराम से बैठ के पियो, ये रहा बेडरूम। और ये देखो, वन एंड ओनली मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फ्रिज देखा है इन ए होटल, जो कि खाली है, पूरी तरह खाली है यार, कुछ तो लगा लेते। चलो इसमें आया ना मज़ा, अब देखते हैं सामने बालकनी से व्यू क्या है, जहाँ तक तो मुझे रोड साइड व्यू लग रहा है, क्योंकि रोड ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। और ये ओ माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। ये देखो जयपुर दर्शन कर लो भाई लोग, और ये सामने क्या है, रिधिराज होटल ही होगा इसमें शायद, नीचे एक मॉल है, ऊपर होटल है, अच्छा भी है, नो डाउट मस्त है, मज़ा आ गया। ये रहा इसका बाथरूम, तो बाथरूम तो मस्त है। ये रहा शॉवर एरिया, ये बाथरूम तो छोटा है लेकिन अच्छे से, मतलब अच्छे तरीके का डिज़ाइन है, तो सो थम्स अप, सही है। बेडरूम पेंटिंग्स वगैरह भी अच्छी लगी हुई है, इवन इसका इंटीरियर अच्छा है, यहाँ पर देखो चिमनी तक है, मतलब अगर आप इंडक्शन अगर यहाँ रखा हुआ है, कुछ आप कुक करते हो तो चिमनी दी हुई है, सो थम्स अप। इसमें क्या है, ओ गॉड, एकदम पूरा किचनट बना रखा है, बड़ा वाला है, ये देखो ये चिमनी कैसी है, चिमनी ऐसी नहीं, सुनिए चिमनी ही है, तो फिर गैस कहाँ है, इंडक्शन होता है लेकिन उन्होंने इंडक्शन दिया नहीं है ना, अगर कैरी किया हुआ है तो आप बिल्कुल यूज करते, लेकिन मैंने अभी तक तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आराम से, सुनिए देखो कहाँ तक पानी आया, देखो अच्छा खासा साफ सुथरा था, अपना गंदा कर दिया, बर्तन धोएंगे यहाँ पर, इतना बड़ा फ्रिज दिया, मतलब मुझे समझ नहीं आया लोगों ने आउट ऑफ द वे जा करके वो लोग चीज बनाई, हालांकि अच्छा है, पूरी फैमिली आ रही ना, जैसे कोई फैमिली आ रही तो सारी चीज में स्टोर कर सकते हैं, छोटे बच्चे हो ना,
हालांकि इसके थोड़ा सा ये सब नेगेटिव पॉइंट ये है कि थोड़ा सा ये खराब हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा इनको मेंटेन करना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। फिर थोड़ा अच्छे से फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो हम लोग नहाए धोने से फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। सारी चीजें बस ये थोड़ा सा इनको मैं उसमें रिव्यू में बता दूंगा कि थोड़ा सा ये मेंटेन कर लीजिए ताकि एक भी नेगेटिव पॉइंट ना रहे। तो इस होटल को थम्स अप पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन ना वही ना, मतलब कल दोपहर में चलती गाड़ी में दोनों आपस में बात करते ये करें ये करें, हमने कहा यार जो मिला भी कर लो, फिर वहाँ आराम से अगले दिन के लिए देख लेंगे। तो वो उतना पसंद आया नहीं, पहले सोच रहे थे कर लें, लेकिन फिर लगा यार नहीं यार दूसरा देखते हैं, फिर उसमें आ गया। तो चलो फिलहाल अच्छे से नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद नहाते का काम देखते हैं। तो गाइस नहाना धोना हो गया है फटाफट से, बढ़िया नहाया, अच्छा तो शावर लिया, अब जाकर रिलैक्स मिला है और मस्त चिलिंग रूम हो रहा है, मंगा ली चाय, तो सोनिया बस वेट ही कर रही है कि कब मैं सर्व करूं जो मैं करूंगा ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल कर चुका था। मंगाई नहीं है, बनाई है यहाँ इंडक्शन लगा के। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, छिपा दिया हमने इंडक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। और एक कैटल देखो, कैटल देखो, बिस्किट्स के देखो, कुकीज रिजर्वेशन देखो इनकी, कुकीज तो ऐसे देखा जैसे कि उन्हें पता ये खाएगी नहीं, मैं ही खाऊंगा। और ये देखो चाय, तो हाँ गिराना मन, नहीं तो गर्म होगी तो बहुत जलेगा, फिर चिल्लाती घूमोगी चाय चाय चाय। तो यहाँ चल रही कुकी और चाय, कुकी तो अच्छी लगी। तुम जीरे वाले बिस्कुट नहीं खाती? मेरे को ना जीरे वाले अच्छे नहीं लगते। और मेरे फेवरेट हैं, मेरे को ना वो मोनाको जो बचपन में छोटे छोटे आते थे चौको चौको साइज के, तुमने देखे होंगे, मस्त लगते थे उनके साथ, ये तो छोटे छोटे स्लाइस जाते थे जीरा लगा हुआ था उनके ऊपर, मुझे मोनाको अच्छे लगते हैं। तुमने कैसे कहते, तुम्हें पसंद नहीं है, इतने टेस्टी होते थे ना। अरे वो छोटे वाले, हाँ लेकिन मानो उस समय तो एक एक रुपया बड़ा कीमती होता था, हम ना अपनी अम्मा से ना दो तीन इधर मिल जाते थे, कहते कहीं बचा लिए सब्जी में, वो तो जानते हो हम लोग सब्जी लाते थे दो तीन पार करते थे, इसीलिए जोड़ते थे कि सुबह आएगा बिस्किट खाएंगे पूरी टोली। मैं तो मोनाको पसंद है, गुड्डे पसंद है, पार्ले जी बचपन में पसंद है। ये लोग मॉडर्न जमाने वाले लोग हैं, हम लोग एंशियंट टाइम के हैं, बहुत पुराने नहीं मैंने भी देखे, तुम्हें पता है वो इतने इतने पहले वो आता था क्रैक जैक मोनाको, तुमने कभी इतने वाले खाए हैं जो बिल्कुल स्क्वायर से आते थे छोटे छोटे पैकेट के अंदर, वो बात चला था। तो जीरे वाले भी तो वैसे ही आते थे, हार्ट शेप के आते थे, हार्ट शेप वाले तो मीठे आते हैं, वो आता है लिटिल हार्ट, उसमें शक्कर लगी होती है चीनी वाली, वो ना उस टाइम पे हम लोग के लिए वो ना प्रीमियम बिस्कुट होता था, वो हार्ट उसको देख के ऐसा लगता था महंगा वाला, काजू बादाम लगे हुए होते थे महंगा वाला, कोई गेस्ट आते थे ना मम्मी ये देखो सुन काजू बादाम लगे हुए लाना। चाय अच्छी है, आजकल तो बहुत सारे स्नैक्स चल गए हैं, वो टाइम अपना दौर अलग था यार, आजकल तो मटर स्नैक्स कचौड़ी छोटे समोसे सब कुछ, छोटे समोसे सब कुछ मिलता है। उस टाइम पे छोटा समोसा दिख जाता था ना मसाले वाला, ऐसा रहता था किसी तो उठा ले, पर सबकी निगाह रहती थी, बड़ा भाई इधर बैठा है मम्मी उधर बैठी कैसे उठाएं, बाद में ट्रे अंदर रखने जाते ना तो एक सब खा लेते थे, वो भी लोगों को पता चल ही जाता था। और पता हम लोग क्या करते थे, जैसे कोई गेस्ट आया बेटा लोग नहीं नहीं जब गेस्ट चले जाते थे ना भाई साहब, एक दिन की बात है समोसे रखे हुए थे, मैं छोटा ही था, वो समोसा मैंने उठा के सामने तो उठा के चलता होना खाते हुए ना पूछा ना कोई मेहमान बैठे उठाया चलता होना, बड़े भाई ने मेरे पीछे ले जाके कोने में जो धुलाई करी थी, आज वो टीज करते हैं ज्यादा मत बोलो, मतलब याद है ना वो पीछे कोने में ले गया धुलाई करी थी, मैंने कहा यार आज तो छोड़ दो, बचपन इट्स सो लाइक ना याद करके आज भी कितना मजा आता है ना, तुम तो खा नहीं रही हम ही निपटाते हैं। आज पता नहीं मेरा ना ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था, अभी भी खा नहीं, मैंने पराठे खाए पराठे ठीक थे यार, मैंने खाया ब्रेकफास्ट भी ठीक से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे रावत की कचौड़ी खाने, यहाँ पे एक फेमस है शायद कोई रावत कचौड़ी वाला, जो जयपुर के होंगे वो तो जानते ही होंगे, मुझे कमेंट में बताना कि उन लोगों ने भी यहाँ खाई है और ये कितना पुराना है यहाँ पे, तो सोने बोले चलो वहीं खा के आते हैं, लंच करके आते हैं, वहीं कचौड़ी खाएंगे और कुछ होगा तो वो भी खाएंगे, बाकी शाम का डिनर का फिर यहीं देखेंगे या फिर बाहर देखेंगे, वो तो खैर आगे की बात है, अभी चलते हैं फटाफट से देखते हैं कचौड़ी खा के आते हैं कि इसकी कैसी कचौड़ी है, बहुत फेमस है ये, बहुत बार बोल चुकी है कि कचौड़ी खाएंगे कचौड़ी खाएंगे, मैडम तैयार हो गई, चलते हैं कचौड़ी खाते हैं भाई, देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इसमें। और ये रहा अपना होटल भाई, काफी सही है, धूप देख रहे हो धूप कितनी तेज हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है यार, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही, इसके नीचे कॉम्प्लेक्स है उसी के नीचे बना हुआ है, वहीं चलते बैठते खाते हैं। ये ना रावत कचौड़ी वाला, ये सही बना हुआ है।
क्या ये साइलेंट सीजर चस्पा है, ये है ना रावत कचौड़ी। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे रावत कचौड़ी के यहाँ, और यहाँ पे पूरा मतलब वही है, कहते नहीं हल्दीराम वगैरह बीकानेर वाला सेम वैसा ही है। अब आप जाओ तो गुडी बैग वगैरह लेकर जा सकते हो कुछ भी रहते हो। बाकी भी मेनू कार्ड देख रहे हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद खाने के बाद बताते हैं कि ये कैसी है। फिलहाल अभी कचौड़ी कौन सी है, यहाँ पे वड़ा पाव भी है भाई, अच्छा है, प्रॉपर खाना भी है। चाय तो हमने होटल में बहुत पी ली, अब फिलहाल देखते हैं। बाकी रिकमेंडेड तो वही रहेगा ही रहेगा। आप लोग मुझे जयपुर के जो लोगों ने वो कमेंट करना कि आप लोग मुझे कितने लोग यहाँ रावत कचौड़ी खाने आ चुके हैं, यहाँ की कचौड़ी वाकई में फेमस है। खाली नाम की वो तो खा के पता चलेगा कि हम फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। अब तुम कह रही हो तो मान लेते हैं भाई, मैडम कह रही तो मान लेते हैं, फेमस बहुत है। पहले दाल वाड़ी नहीं, पहले कचौड़ी तो मंगा लो। इसके साथ सॉस कौन खाएगा? मुझे लगाएंगे तो कोई सब्जी वब्जी मिलनी चाहिए, तो सॉस ही तो है। क्या खास लगा इसमें? सूखी सूखी लग रही है, मुझे लगा कुछ मंगा लेना चाहिए था। हाँ भाई आ गया स्वाद, अब कहना ही पड़ेगा, पर मुझे कुछ खास नहीं लगी। अरे ठीक है, ओके है। मैं गेट खोल के खड़ा हुआ हूँ, तुम्हें मुझसे पहले आ गए कुछ भी तो आराम से आया। मैं भी आराम से आई हूँ। हफ्ते आ रही हैं, सिक्स फ्लोर जीना चढ़ने होते हैं। तो भाई हम लोग आ गए, हम लोग रावत की भाई कचौड़ी खा करके आ गए। रिव्यू बता देता हूँ, ठीक थी, ओके थी। अच्छा मुझे लगा दो, जनरली हमने कचौड़ी खाई ना तो सब्जी के साथ ही खाई है, ऐसे सूखी कचौड़ी तो बहुत रेयर ही खाई है, तो मुझे लगा ऐसी अगली कचौड़ी ठीक थी। लेकिन जिन जिनको सूखा या ड्राई खाने में दिक्कत होती है ना, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर बाद में हमने क्योंकि उसके साथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ चाय कप कुछ मंगाया नहीं, चलो सब्जी के साथ खाई। बाद में फिर मैंने लेमन बोला, इसने फिर कोल्ड कॉफ़ी बोली, तो ठीक था, टेस्ट अच्छा था खाने में, लेकिन थोड़ा सा ड्राई हो जाता ना, तो ड्राई खाया नहीं था। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एज यूजुअल कचौड़ी के साथ कुछ सब्जी वगैरह आएगी, लेकिन बाद में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगने लगा था। अच्छा बढ़िया, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि उनको सब्जी भी देनी चाहिए अलग से, अगर जिसको सब्जी के साथ खाना हो सब्जी के साथ खाए, सूखा खाना तो सूखा खा सकता था। लेकिन बढ़िया टेस्ट बढ़िया था, अच्छी बनी हुई थी। दिल्ली में हमने पूछा आपकी कोई ब्रांच दिल्ली में है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी दिल्ली में तो कोई ब्रांच नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं, इन फ्यूचर अगर आप खोलोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बोले ठीक, तो फिलहाल भूख लग रही थी और, तो फिर मैंने लेमनेड और उसने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। फिर मैंने मतलब पूरी सब्जी बोल दी थी, पूरी सब्जी में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेमनेड पी लिया तो पेट भर गया। फिर मैंने पूरी सब्जी पैक करा ली, वो रखी हुई, थोड़ी देर में उसको खा लूँगा। चलो थोड़ा सा अपना काम करते हैं, सोने जाएगी अपने काम पे, मैं अपने काम से लगता हूँ। ये देखो खबर रहा नहीं गया, सुनियो ये तो मैंने देखा ही नहीं, लग जाता ओ भी लग जाता मैं यहाँ देख रहा हूँ, बिल्कुल बराबर है बिल्कुल। ये देखो ओ तेरी, नहीं देखो बिल्कुल, देखो बिल्कुल पास में रहा मैं तो, देखा मैंने कहा इसको रहा नहीं जा रहा, ये देखा ही नहीं कि ये मेरे पास यहाँ रखा है, बिल्कुल देखो तो नहीं देखो बिल्कुल पास में रखा है। बस मैं कम देखता है यार, तुम्हें तो बहुत ज्यादा देखता है, हैं तो वहाँ चोर चिड़िया के वो गिर ले, हाँ चिड़िया के वो गिर ले, बदतमीज कहीं की बदतमीजी की याद है पर गिर ले भाई। मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं इसलिए बदतमीज कह रहा हूँ कि जब घर में आई ड्रॉप डालने होता है ना, तो मैडम ये टीवी ना एक्सपायरी कितनी है, 25 से 23 है, 25 से 23 है। गट्टा गट्टे की सब्जी है, राजस्थान की फेमस होते है ना गट्टे की सब्जी, राजस्थान की बढ़िया गट्टे, एकदम ड्राई हो गया है तो ये बढ़िया है, मुझे सब्जी दो। चलो भाई ये रखना, मैंने कहा खा रहे हैं, ठंडी हो जाएगी बेकार हो जाएगी फिर।
भाई ये देखो शाम का मौसम हो गया और क्या जबरदस्त नजारा आ रहा है भाई। सनसेट होने वाला है मेरे ख्याल से, सनसेट देखेगा इधर। सोच रहा हूँ टाइमलेस बनाऊं, पर यहाँ रखने का कोई ऐसा जगह नहीं है, इस पर रुकेगा, ट्राई करता हूँ फिलहाल। और ये देखो सामने फ्लाईओवर जा रहा है ना, ये फ्लाईओवर सीधा आगे जाकर रिंग रोड मिलता है शायद ये वाला, और उसके आगे जाकर दिल्ली निकल जाओ आगे जा करके दौसा होते हुए। और वो इधर से पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं भाई, दूर से दिख रही हैं पहाड़ियाँ आपको, जूम करके देखते हैं। हाँ ये देखो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये मेरे ख्याल से उधर हवा महल साइड की उधर की है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ना भी हो, पर पूरा शहर दिख रहा भाई चौकस। और हम लोग कचौरी खा के आए थे, वो यहाँ नीचे ही है शॉप बनी हुई है। और ये दो बसें सुबह से खड़ी हुई हैं, मुझे लगा यहाँ से बसें बन के चलती होंगी, जैसे नहीं वॉल्वो चलती हैं। ओहो नई गाड़ी लेकर के आया लगता कोई, यार स्विफ्ट स्विफ्ट है, सही है सही है। भैया व्यू देखो सूरज तो बादलों में ढके हुए हैं, भैया फोकस कर लो, सोने देखो आकर के कितना मस्त व्यू लग रहा है। बारिश हो जाए ना भी मज़ा आ जाए, कसम से कह रहा हूँ बारिश हो जाए यार, बारिश नहीं हो रही पता नहीं क्या ही हो रहा है। और यहाँ गाड़ियाँ पार्क नहीं करनी है ना, पुलिस वाले ने फोटो खींच ली उसकी, अब वो देखो तुरंत भगाओ गाड़ी ले करके। ये देखो इस पर ये चल रहा डिस्कशन कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी थी या नहीं खड़ी करनी थी, वो पुलिस वाले भाई सब गाड़ियों का नंबर ले करके रिपोर्ट कर रहे होंगे। वो भाई ब्लैक टी शर्ट में उतरे कि ये वो पुलिस वाले से बहस कर रहे हैं, तब ये नई गाड़ी कोई खड़ी करके गया इसका देखो बताओ नई गाड़ी खड़ी करके गया है, अब उसका भी चलान हो जाएगा तो वो फोटो खींच रहे हैं। खैर कोई नहीं, सड़क पे चलेगी तो लगेगी भी और चलान भी कटेगा। वो जाम देखो, वही तो कह रहा हूँ व्यू देखो, ऊपर ऊपर देखो कितना मस्त हो रहा है वो देखो दूर तक, बस बारिश हो जाए। अब ये ना तीन चार गाड़ियाँ खड़ी थी दो तीन चार भग गई, अब ये गाड़ी नई गाड़ी स्विफ्ट पार करके चला गया कोई, अब इस पर पुलिस वाला घूम रहा है, वो सोच रहा है यार तो मैं इसका चलाना काटूँ, उसको भी लग रहा है यार नई गाड़ी है छोड़ देता हूँ, लेकिन वो सोच रहा है यार हटेगी तो भाई, अब वो उसका कोई मिल ही नहीं रहा है, छुप गया हो गया। वीडियो वीडियो तो ले लिया उसका, नंबर प्लेट वगैरह का फोटो वोटो ले लिया होगा। जाम देखो यार, जाम तो लगा ही है खूब, देखो रेड लाइट यू टर्न है। हां है शायद रेड लाइट। अब तुम अक्षय कुमार मत बनो, अक्षय कुमार जैसे एक्टिंग मत करो ठीक है। नहीं यार पर... क्या सुनिए सुनिए क्या बदतमीजी कर रही हो यार, अगर ये दिया तो कर सकते हैं। हाँ कुछ भी, ऐसे बदतमीज लोगों के साथ ना आना पसंद नहीं करता हूँ मैं सच में, ऐसी हरकतें करती है। पुलिस वाला बेचारा गया, देखो बुर्ज खलीफा सामने। हाँ ये तो हमारा सामने सस्ता आईफेल, सस्ता आईफेल कह लो या सस्ता बुर्ज खलीफा जो भी है। अच्छा वो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है जो कल हम देख रहे थे सस्ती, वो आगे है, वो यहाँ से नहीं दिखेगी ना, रोड पर ना साइड पे आगे, बिल्कुल इस बिल्डिंग के साइड एक दो बिल्डिंग आगे है। देखो वो फ्लाईओवर आ रहा ना कल, वही लेते हैं हम लोग ना आउटर वाला। मैडम तो रेडी हो गई हैं अपने काम पे जाने के लिए, मीटिंग पे हम बैठ के करेंगे अपना काम। सुन यार ठीक है, वो उससे दे देना तो वो गाड़ी ले लेगा, लौट जाओगे तो चाय लेते आना नीचे से, चाय कैसे ले जाऊंगा नीचे से, बोतल भरा लाना, गेट आउट गेट आउट। तो ये थोड़ा ध्यान से जाओ, फटा कोई दिक्कत हो तो फोन कर लियो ठीक है। और वो जा रही सोनिया, यहाँ तो दिख जाता है इसकी एंट्री इधर से, एग्जिट इस साइड से, मतलब इस बिल्डिंग की इधर साइड से। और अभी भी मस्त मौसम हो रखा है, बस बारिश होने की देर है। टाइमलेस मैं अभी भी बना रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा बढ़िया रहता है, दो बनाए एक पहले और एक अब इससे बना रहा हूँ, देखते हैं कौन सा किससे बढ़िया लगता है। शाम के बज गए हैं 7:30 और सुने को लोग गए हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया, मैं अपना काम कर रहा था और बाहर लब अंधेरा तो हो ही गया है, तो चलो बाहर देखते हैं कैसा क्या हाल है। और बाहर देखो भाई जबरदस्त ट्रैफिक है भाई, तो ग्लास साफ नहीं है तो ज़्यादा साफ दिख नहीं रहा फिलहाल, ये देखो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। 7:30 लब हो चुके हैं, अभी हल्का हल्का रोशनी है दिन की, मतलब बहुत ही डिम है, अच्छा लग रहा है वैसे, ट्रैफिक नहीं, लाइटें वगैरह अच्छी लग रही हैं लेकिन ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है इधर, इधर वाला शीशा तो ज़्यादा ही गंदा है, इधर वाला फिर भी साफ है। वैसे अभी सोनिया का फ़ोन आया था, तो सोनिया कह रही है कि मैं वहाँ से फ्री हो गई हूँ, बस 5-6 मिनट लगेगा मुझे आने में, तब तक तो तुम भी नीचे आ जाओ, कुछ बाहर चाय पियेंगे, कुछ
डिनर देखेंगे बाहर ही करेंगे और फिर आराम से फिर होटल आ जाएंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेता हूँ, उसके बाद नीचे जाता हूँ फटाफट से। चलो हाथ मुँह धो लिया, ज़्यादा गर्मी, क्योंकि एसी बहुत तेज चल रहा था तो उतना गर्मी नहीं थी, फिर थोड़ा सा हाथ मुँह धो लिया ताकि थोड़ा सा फ्रेशनेस लगे। तो चलो चलते हैं नीचे फटाफट से, तब तक सुनिए 5 मिनट में आ ही जाएगी, तब चाय पियेंगे, उसके बाद डिनर का देखेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, फिर अपने काम से लगेंगे। टॉपर आ गया अभी लिफ्ट में, अब फटाफट से नीचे जाते हैं, इसमें 11th फ्लोर है तो टाइम लगता है। आई होप जल्दी आ जाए, 3, 2, 1 वो आ गया अपन ग्राउंड फ्लोर, तो चलो चलते हैं फटाफट। हाँ इसका पैसा जो अच्छा लग रहा है, वो रहा इसका लोगो, चलो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय बढ़िया हवा चल रही है जबरदस्त, कल दिन भर धूप में तपते रहे, लेकिन अभी क्लाइंट ने बिना एसी के बैठा दिया पता ऐसे ऐसे लोग हैं, बिना 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 एसी के लिए बैठा दिया। इसमें 11 फ्लोर है, अरे लिफ्ट में देखा और क्या रंडी करूंगा मैं, 11 फ्लोर है ये मॉल है क्या? नीचे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ऊपर होटल बना हुआ है। तो चलो भाई यहाँ का लोकेशन देख लो, ये प्रतिष्ठा है यार, रात में अच्छा लग रहा है, कुछ भी को रात में अच्छा लग रहा है। चलो भाई वहीं खाओगी क्या, वहीं चाय पियेंगे, चलो चेक करते हैं भाई। इसको देख सही है, अब की बार हम लोग इधर साइड में बैठे हैं। क्या मंगाओगी? अभी भी चाय मैगी मंगाते हैं। चाय मैगी और खाने में क्या खाना है? कुछ पैक करा के होटल लेते हैं, क्योंकि हम 11:30 तक खाएंगे ना। और इसका एम्बियंस देख लो भाई, अभी भी जबरदस्त बना हुआ है इसकी, ये नहीं जल रहा, ये नहीं जल रहा, ये जलाते तो अच्छा लगेगा। तुम जलाओगी, तुम जलाओगी, तुम्हारे पास स्विच है। तो अभी 2 चाय और 1 मैगी बोली हुई, उसके बाद कुछ खाना अगर होगा तो वो पैक करा लेंगे, है ना सोनिया, पैक करा लेंगे, क्योंकि अभी उतनी भूख लग नहीं रही है। अभी चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैं सोच रहा था सोनिया आ जाए और चाय पिए, तो अभी चाय ऑर्डर करिए और मैगी के लिए बोल दिया है, उसके बाद सोच रहे थाली पैक करा लें या कुछ अलग से। बिरयानी नहीं खाऊँगा मैं यार, बिरयानी तो नहीं अभी, तो नहीं बाद में देखेंगे, कल या परसों, अभी बिरयानी नहीं था, ये काम करें थाली पैक करा लेंगे, थाली सही रहेगा, उसमें सारी सब्जियाँ भी आ जाएंगी। तो गाइस हम लोगों ने खाना नीचे से ही ऑर्डर कर लिया था, जहाँ पे हम लोग गए थे चाय मैगी खाने, वही रावत क्या कचौड़ी वाला जो भी है, क्योंकि उसकी थाली वही मतलब एक वो स्पेशल रेस्टोरेंट है कचौड़ी के लिए फेमस है, खाने के लिए फेमस है, हमने कहा चलो आज उसी का ही सब कुछ खाते हैं। मैगी भी मंगाई थी हम लोग जो शाम में गए थे, तो मैगी भी बहुत अच्छी थी, डबल मसाला मैगी थी, A1 मैगी थी। तो खाना आ गया था, हम लोगों ने खाना लेट मंगाया ताकि आराम से खा ले मैंने, क्योंकि मैगी खाने में उतनी भूख लगी नहीं थी। तो देखो एक पे क्या, सांगरी की सब्जी। किसकी? सांगरी राजस्थान। क्या है ये? सांगरी की सब्जी राजस्थान की। सांगरी ये कैसे बनती है? ये पेड़ पर लगती है सब्जी ना? नहीं वो तो पेड़ पे लगती होगी, चलो ठीक है, लेकिन ये है मतलब, चलो खैर हर जगह की नई नई डिश है सब्जियाँ हैं। ये देखो ये तड़का दाल है, ये पनीर बटर मसाला होगा, ये वही होगा गट्टा जो होता है, वो गट्टे की सब्जी, गट्टे की सब्जी, रायता हो गया, पापड़ हो गया, और उधर ये नान या लच्छा पराठा जो भी है। मिल्क केक भी दे दिया। अरे गुलाब जामुन दे देते यार, सैलड सबसे अच्छी बात है ना, देखो सैलड देखो एकदम भर के सैलड दिया, एकदम क्लासिक सैलड है, खाना बहुत देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में तो ऑब्वियस है टेस्टी होगा ही। कटलरी हम लोगों ने बोल दी थी कि कटलरी भी दे देगा, जो लग नहीं रही इतनी जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा भेज दी कोई नहीं, बड़ा देखा अगर यूज़ होंगी तो ठीक है। तुम्हें खाना कैसा लग रहा देखने में? देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, पता चलेगा खाने में कैसे। टेस्ट करके बताओ, ये कट्टा तो तुमने दोपहर में हमने खा लिया, गट्टा ही है सोनिया, अब तो मैं कट्टा ही खाने देता रहता हूं, वो तो बड़ी थी, ये गट्टे हैं, सेम ही है वो, सेम ही सब्जी है, ये देख लो डिफरेंट है, सेम सब्जी है, वही सेम है बिल्कुल, बस उसमें पैक करने में वो ऑयल ज़्यादा आ रहा है। ये टेस्ट करके देखो कि पनीर है, और ये जो नई आई है तुमने खाई है पहले? ये है मम्मी ने खाई है, अरे बड़े लोगों ने तो खाई होगी, तुम बताओ ना। मैंने कभी सांगरी, मैंने एक बार मम्मी को बोला था मां सांगरी मिल रही थी, कैसी है? चलो भाई खाते हैं। तो भाई भरपेट दबा करके थाली खाई, उसमें भी बच गया, खा ही नहीं पाया पूरा, मैगी खाने के बाद इतनी भूख लगी नहीं थी कि वो थाली निपटा पाते, तो मैडम अपना आधा एक आधा मुश्किल से एक अच्छा पराठा इन्होंने खाया होगा, अपना निकल ली, बाकी सब हमारे यहाँ छोड़ दी कि मैं सब खाऊंगा,
मैंने बोला था ना कि उसमें अगर मैगी खाएंगे तो फिर थाली नहीं खा पाएंगे, क्योंकि मैंने मैगी लगभग 9 बजे तो खाई थी, 9 बजे के आसपास मैगी खाई थी, उसके बाद 9:30 बजे तो वो थाली दे गया। हाँ मतलब 10 बजे खा दे गया, लगभग 10:30 बजे हमने इसलिए थोड़ा और लेट खाया कि 10:30 बजे तक खाना खाएंगे तो जाए, फिर भी वो थोड़ा सा वेस्ट ही हो गया, मतलब पर मोस्टली पराठे ज़्यादा वेस्ट हो गए, उतनी भूख थी नहीं। खैर चलो अपना काम धाम कर रहा था, मैडम अपनी मूवी देख रही थी, पता नहीं किसकी मूछें सर्च कर रही हैं कि उसने उसकी मूछें कटा ली थी, वो वाला सीन नहीं आया, वो तब से वही लग घड़ी बड़ी मेरा दिमाग खा गया यार, इसमें वो सीन नहीं आया, मूवी तो वही थी, उसमें वो है वो है वो है, वो कोई मूवी है प्यार तो होना ही था, बहुत पुरानी अजय देवगन की। मैंने कहा यार क्या ही पागल हो रखी है। फिलहाल व्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो उस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमने कल की ये होटल एक्सटेंड कर लिया है क्योंकि कल हमारा स्टे है, तो कल शाम को निकले या देर रात निकले या परसों सुबह निकले वो तो आगे ही डिसाइड करेंगे, वो आपको ब्लॉग पे पता चल जाएगा। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।